नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों पर नजर होगी, देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, आज की बड़ी खबरें क्या है, सब कुछ आपको दिखाएंगे। तो इस मॉर्निंग बुलेटिन में हमारी कोशिश यही रहती है कि आपके शहर की, राज्य की, देश की तमाम बड़ी खबरें हम आपके सामने रखें। तो अगले घंटे बने रहिए हमारे साथ। इसे लेकर तेलंगाना तक आग का तांडव ऐसा देखने को मिला कि लाखों का नुकसान हो गया। तीन शहरों में लगी इस आग से हड़कंप मच गया। अलग अलग शहरों से आग जली की ये तस्वीरें हम आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। धमाकों की आवाज आ रही है, पूरा इलाका आग से धधक रहा है। आग की पहली तस्वीर महाराष्ट्र के ठाणे से सामने आई है, जहां लपटें काफी दूर से ही नजर आ रही हैं। धुएं का गुबार पूरे आसमान में छाया हुआ है। कई किलोमीटर में आग फैली है। खारीगांव इलाके में स्क्रैप यार्ड में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पूरा इलाका आग से कई घंटों तक धधकता रहा। स्क्रैप यार्ड में कई धमाके हुए, जिसके चलते आग तेजी से आसपास के हिस्सों में फैल गई। आनन फानन में आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर दमकल की 12 गाड़ियां पहुंची और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग के तांडव की दूसरी तस्वीर तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की है, जहां गाड़ियों के गैराज में अचानक लगी आग से पूरे इलाके में धुआं फैल गया। काले धुएं का गुबार हर तरफ नजर आया। ये आग इतनी भयानक थी कि महज 1.5 घंटे में पूरी गैराज जलकर राख हो गई। इस दौरान कई गाड़ियां भी आग की चपेट में आ गई। भयानक आग की तीसरी तस्वीर गुजरात के आनंद शहर से सामने आई, जहां एक गोदाम में भीषण आग लगने से भगदड़ मच गई। पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार नजर आया। आसमान आग की लपटों और काले धुएं से भर गया। आग इतनी भयानक थी कि दमकल कर्मियों को हालात पर काबू पाने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। अभी का अजब अजीबोगरीब तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो हिमाचल के कुल्लू में एक महिला पैराग्लाइडर के साथ एक पेड़ पर अटक गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पैराग्लाइडर फंसा कैसे और ये महिला कौन थी? जब लोगों को इस खबर के बारे में पता चला तो क्या कुछ हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। तेज हवा चल रही है और एक पैराग्लाइडर पेड़ पर लटका दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। खबर क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के ढालपुर के साथ लगते पीच की पहाड़ी में इन दिनों पैराग्लाइडिंग का आनंद लेने के लिए सैलानी आ रहे हैं। खराब मौसम के चलते पैराग्लाइडिंग करवाने में पायलट को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में जब पीच की पहाड़ी से 3 पैराग्लाइडर पायलटों ने सैलानियों के साथ दोपहर के बाद ढालपुर मैदान के लिए उड़ान भरी, तो अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं के चलते पैराग्लाइडर पायलट अपनी दिशा भटक गए। ऐसे में 2 पैराग्लाइडर पायलटों ने तो आपात स्थिति में ढालपुर के प्रदर्शनी मैदान में लैंडिंग कर ली, लेकिन एक पैराग्लाइडर पायलट रास्ता भटक गया और वो ढालपुर में ही वन विभाग के कार्यालय के बाहर एक पेड़ में फंस गया। पैराग्लाइडर के फंसने की खबर आग की तरह फैली। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। दमकल विभाग और पुलिस प्रशासन को लोगों ने सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम ने पेड़ पर फंसे पैराग्लाइडर के पायलट और महिला पर्यटक को सुरक्षित रेस्क्यू किया। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस बार गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यूपी के फिरोजाबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। वहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में हंगामा मच गया। वीडियो में हॉस्पिटल के स्टाफ ने पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार किया और धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर भी निकाल दिया। ये पूरा विवाद इतना बढ़ा कैसे, आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं पूरी खबर। अफरा तफरी मची है, हंगामा हो रहा है, भीड़ जमा है। तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पीली जैकेट पहने एक शख्स का पेशेंट के लिबास में पीछे से निकलकर आ रही महिला से झगड़ा हो रहा है। पीली जैकेट वाले और पेशेंट महिला के बीच कहासुनी हो रही है। महिला भागती दिख रही है। शख्स को रोकती हुई हॉस्पिटल की कई महिला स्टाफ भी दिख रही हैं। इसी दौरान हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट महिला के बीच धक्का मुक्की होती है और स्टाफ महिला को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है। शोभा नाम की महिला मरीज का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ ने मारपीट कर अस्पताल से उसे बाहर इसलिए निकाल दिया क्योंकि उसने अस्पताल में इलाज में हो रही लापरवाही की बात बगल वाले मरीज से की थी। उसने मेरे को आज छोड़ा है, नॉनसेंस बोला है और बोल रहा है
डॉक्टर के नीचे कोई असिस्टेंट है, आईसीयू वार्ड में मैं एक पेशेंट थी, एक बच्चा एक्सपायर हो गया था, तो मैंने ये कहा इसकी दादी ने लापरवाही कर दी है, बस इतना बोला है मैंने, तो बोलता है तेरे बेड पे पड़े पड़े ज्यादा मुंह चल रहा है, नॉनसेंस कही कि मैंने कहा आप डॉक्टर हो तो नॉनसेंस नहीं बोलोगे एक पेशेंट को, तो बोलता है जो तू कर 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 लेगी, इतने में आके मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया और बोलता है जो कर पाए वो कर लेना, मेरे साथ मारपीट की। तो वहीं अस्पताल के अन्य मरीजों के बयान भी सामने आए हैं जिन्होंने अस्पताल स्टाफ पर आरोप लगाए हैं। यहाँ ये एक महिला थी पेशेंट जो आईसीयू में भर्ती थी, वो यहाँ भर्ती थी, उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद फिर इन्होंने कहा कि बिल भरो, इन्होंने कहा मेरा भाई आया तब मैं बिल भरवाऊंगा यहाँ। नहीं उन्होंने ये बोला था मेरा भाई आ जाएगा तब बिल भर, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं डिस्चार्ज कराएंगे, ये वो बदतमीजी करने लगे महिला से, उसकी निडल निकाल फेंक दी इन्होंने यहाँ के स्टाफ ने। नहीं उन्होंने नहीं निकाली थी, नहीं निकल गई वो, फिर इनमें धक्का मुक्की होने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और अस्पताल स्टाफ के दुर्व्यवहार पर जांच शुरू कर दी है। और एक बड़ी खबर चलिए आपको बताते हैं, खबर ये है कि बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एक्टर रणदीप हुड्डा बीजेपी के टिकट पर हरियाणा की किसी सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, रणदीप हुड्डा जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। रोहतक लोकसभा सीट इस समय देखिए बीजेपी के खाते में, और मौजूदा वक्त में अरविंद शर्मा वहां से सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 में कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को हराया था और पहली बार बीजेपी का परचम लहराया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा का रोहतक जिला पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। ये सीट जाट बहुल मानी जाती है। साल 2019 से पहले रोहतक सीट कांग्रेस के खाते में रही है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा इस सीट से लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। इस बार भी कांग्रेस दीपेंद्र हुड्डा को उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जल्द ही रणदीप हुड्डा बीजेपी में शामिल होकर के यहां से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। और एक और बड़ी खबर इसी बीच में आपको बता देते हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को चुनाव आयोग की ओर से एडवाइजरी एक जारी की गई है। उनको ये कहा गया है कि उन्हें अपने बयानों को देते हुए बहुत ज्यादा सोच समझकर बोलना होगा, सतर्क रहना होगा। दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए विवादास्पद बयानों का इस्तेमाल किया था, जिसकी शिकायत मिलने पर हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से इस बारे में फैसला लेने को कहा था, और अब इसलिए चुनाव आयोग ने एडवाइजरी जारी कर राहुल गांधी को सोच समझकर बोलने की सलाह दी है। अधिक सावधान और सतर्क रहने की बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से। की ओर से एक और शिकायत जो है वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अब राउत रेवेन्यू कोर्ट में दायर कर दी गई है। दरअसल 8 बार समन उन्हें जारी किया जा चुका है, उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए और इसी के चलते ये शिकायत दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर, 8वीं बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल के पेश नहीं होने पर यह शिकायत दर्ज करवाई गई है, जिस पर आज सुनवाई होगी। इससे साफ हो गया है कि ईडी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के केजरीवाल के ऑफर को खारिज कर दिया है। तो दिल्ली के शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राउत रेवेन्यू कोर्ट में एक और शिकायत ईडी की तरफ से दर्ज करवाई गई है। 8वीं बार समन भेजने के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने पेशी की बात कही थी, लेकिन इसको अब ईडी ने खारिज कर दिया है। इस शिकायत के बाद ये बात साफ हो गई है। कहा कि जयपुर को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, और ऐसा क्या हुआ जयपुर निगम की बैठक में कि ये जंग के मैदान में तब्दील हो गया, और इसके बाद बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस विधायक की गिरफ्तारी की मांग क्यों की है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। हंगामा, नारेबाजी, अफरा तफरी, ये तस्वीर सड़क की नहीं सदन की है। देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसा ही हुआ है जयपुर हेरिटेज नगर निगम की बैठक में। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए। बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के विधायक भी मौजूद थे। कांग्रेस के विधायकों ने बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा के साथ मारपीट की कोशिश की। इस दौरान बीजेपी के विधायकों ने उनका बीच बचाव किया। बैठक में भारी हंगामे और मारपीट को देखकर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य
ने कहा कि ये नगर निगम नहीं बल्कि नरक निगम है। सिविल लाइन जयपुर के विधायक गोपाल शर्मा ने कांग्रेस विधायक रफीक खान की गिरफ्तारी की मांग की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान माइक की तार निकाल कर फेंक दी। मतलब हमारे राष्ट्रगान का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? वो घटना उसके बाद भी हो सकती थी, वो राष्ट्रगान के बाद में धरने पर भी बैठ सकते थे, वो राष्ट्रगान के बाद में सभी इकट्ठे होकर के कलेक्टर या उचित जगह के ऊपर जा सकते थे, लेकिन राष्ट्रगान होते समय तार निकाल करके फेंकना देशद्रोही गतिविधि है और इसके लिए रफीक खान जी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हंगामे के बाद सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर इस पूरे मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब कानून विदों से चर्चा करके आगे की रणनीति भी बनाएंगे ताकि आगे से कोई भी राष्ट्रगान रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। घाटी से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार श्रीनगर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां से बख्शे स्टेडियम से देश को कई योजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन पहले आपको बख्शे स्टेडियम में तैयारी और सुरक्षा के लिए कैसी तैयारी है ये दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, कश्मीर सज धज कर तैयार है। कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में तैयारियां पुख्ता है। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम के तहत 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के तहत 1400 करोड़ रुपए से अधिक की 52 पर्यटन क्षेत्र परियोजनाओं को भी लॉन्च करेंगे। देखो अपना देश पीपल्स चॉइस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोल और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान की भी प्रधानमंत्री शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ 1,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और सरकारी योजनाओं की महिला अचीवर से भी डायरेक्ट संवाद करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर घाटी के लोगों में गजब का उत्साह है। श्रीनगर के वर्ल्ड फेमस डल लेक में शिकारा की सवारी करते हुए हमने ऐसे ही कई महिलाओं से बातचीत की। अगर धारा 370 नहीं हटता तो वो पथराव, वो हड़ताल, वो कैलेंडर, वो फिर से निकलता और आप शायद यहाँ नहीं हो। ये श्रीनगर का वही ऐतिहासिक लाल चौक है जिसने जम्मू कश्मीर की बदलती राजनीति को देखा है, बदलते सियासतदान को देखा है, उनके चेहरों को देखा है, दहशत गर्दी को देखा है, उसका दंश झेला है, पत्थरबाजों को देखा है, लेकिन आज यही श्रीनगर का लाल चौक जो है वो बदलते कश्मीर की कहानी भी कह रहा है। घाटी का दिल अगर डल झील है तो श्रीनगर का मिजाज ये लाल चौक बताता है। 370 हटने के बाद लाल चौक का मिजाज भी बदला बदला नजर आ रहा है। 15 दिन पहले पीएम मोदी ने जम्मू से 30,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात यहाँ के लोगों को दी थी, अब बारी घाटी की है। यही वजह है कि घाटी का बच्चा बच्चा उनके इंतजार में बेकरार है। पहले इटावा और सैफई के नाम पर लोग डरा करते थे, ये कहना है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जब वो दौरे पर सैफई के पहुंचे तो जमकर एसपी पर निशाना साधा। और देखिए सपा शासन के दौरान कानून व्यवस्था कैसी थी इसको लेकर उन्होंने किस्सा भी सुनाया, दिखाते हैं आपको पूरी खबर। सैफई दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने आज जनता को जहां एक तरफ विकास की सौगात दी तो वहीं समाजवादी पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए। सपा के वक्त व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने एक किस्सा भी सुनाया। मुझे याद है 1996-97 की घटना है, मैं जयपुर से आगरा आना था, मुझे रात्रि हो गई, मुझे आगरा में तो मुझे रात्रि में पुलिस ने कहा कि आप रात्रि में यहां से कानपुर मत जाइए। मैं आपको सही बता रहा हूं, मुझे बोला गया कि आप कानपुर गौतमत बीच में जो रास्ता है कोई घटना घटित हो सकती है। अरे हमने कहा कौन घटना घटित होनी है, और मेरे साथ तो 2-4 साधु ही लोग थे। मैंने कहा मेरे साथ कौन घटना होनी है, कहा नहीं साहब रात्रि को मत जाइए, आप एक काम करना जब सुबह आराम से जाइए, रात्रि को आप यहीं रुकिए। तो मुझे रात्रि को वहां रुकना पड़ा था, आगरा में रुकना पड़ा था। और आज आप देख रहे होंगे कि आगरा के सांसद यहां के सांसद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इटावा के सैफई में 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का लोकार्पण किया।
पैरा मेडिकल के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पहले इटावा के नाम से लोग डरते थे, अब यहां देश के युवा तैयार हो रहे हैं। जैसे आप लोग हैं इतनी बड़ी संख्या में, मैं देख रहा था जो यहां पे नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे थे कार्मिक, उनके चेहरे पे कोई सिकन नहीं थी, कोई भय नहीं था, इटावा का भय नहीं था, आज सिपाही का भी भय नहीं था। सीएम योगी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार कोई भेदभाव नहीं करती। उन्होंने कहा है कि पिछली सरकारें नारियल फोड़कर शुभारंभ कर देती थी, लेकिन बजट नहीं दिया जाता था। इस शिवरात्रि की अगर हम बात करें तो वाराणसी में जो शिव भक्त हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन के साथ साथ इस बार उनको ज्ञानवापी में भी दर्शन करने का मौका मिलेगा, और मंदिर प्रशासन ने इसको लेकर खास तैयारियां भी कर ली हैं। तो अगर आप भी इस महाशिवरात्रि के मौके पर काशी जा रहे हैं तो चलिए आपको इस डिटेल रिपोर्ट के जरिए बता देते हैं कि कैसे आप बाबा विश्वनाथ के अलावा ज्ञानवापी में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर इस बार शिव भक्तों का सालों का सपना पूरा होने जा रहा है। पहली बार ऐसा होगा जब शिव भक्त ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवरात्रि के दिन अपने आराध्य देव का दर्शन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, भांग धतूरा के साथ बेलपत्र चढ़ाएंगे, और इसे लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से विशेष तैयारी की गई है। व्यास जी के तहखाने की विशेष सजावट की जाएगी, जो वहाँ पे ग्रह विग्रह रखे गए हैं उनका श्रृंगार किया जाएगा, इसके साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, और इसके बाद हर हर महादेव के नारे के साथ जो शिव भक्त पहुंचेंगे व्यास जी के तहखाने का झांकी दर्शन करने के लिए उनका इस्तकबाल किया जाएगा रेड कार्पेट पर। वो भी करोड़ों शिव भक्तों का सपना साकार हुआ है, तो ज्ञानवापी में इस बरस शिवरात्रि पर जलसा जोरदार होने वाला है। इसे लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की ओर से जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। व्यास जी के तहखाने में विशेष सजावट के साथ श्रृंगार किया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर तहखाने में शिव भजनों की गूंज सुनाई देगी। आप लोग कितने उत्साहित हैं शिवरात्रि के दिन दर्शन पूजन करने को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और सब लोग मिलजुल के एक श्रृंखलित वे में उसको हम लोग जाके दर्शन करके आनंद प्राप्त करेंगे। उधर शिवरात्रि से पहले ही बाबा विश्वनाथ का पारंपरिक अनुष्ठान शुरू हो गया है। भगवान काशी विश्वनाथ का हल्दी रस्म संपन्न हुआ। बसंत पंचमी से ही तिलकोत्सव के रूप में ये परंपरा शुरू हो जाती है, जो रंग भरी एकादशी तक बाबा काशी विश्वनाथ और माँ गौरा के गौना तक चलता है। इस बार विशेष तौर पर भगवान राम के अयोध्या से आई हल्दी से बाबा काशी विश्वनाथ का ये रस्म पूरा हुआ। इस दौरान भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ये तो अभी झांकी है, असली जोश तो शिवरात्रि के दिन देखने को मिलेगा।